अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि आप जानते हैं कि रूफ़े तहजीब पर हमारे लेसन चल रहे थे और इस सिलसिले में हमने जीम का खानदान मुकम्मल कर लिया था और पिछली वीडियो में दाल के खानदान तक हम पहुंचे थे। अब दाल के खानदान का दूसरा हर्फ है डाल। सबसे पहले हम इसकी जब किसी हर्फ के साथ जुड़ता है तो शक्ल क्या बनती है, हमने पहले वो वाजिया करनी है, बच्चे को बताना है। जब किसी के साथ जब जुड़ेगी तो ये शक्ल बनेगी। इसके बाद डाल से शुरू होने वाले दो हर्फी अल्फाज की हम प्रैक्टिस करवाएंगे। डाल जबर रे डार, डाल जेर शीन डिश, डाल जबर बे डब, डाल वा डो, डाल अलेफ डा। क्योंकि ये शरारती हरूफ हैं तो अपने आगे किसी को जोड़ते नहीं हैं। दो हरफी अल्फाज के बाद आप प्रैक्टिस करवाएंगे से हरफी अल्फाज और चार हरफी अल्फाज की। डाल वा डो, लम साकिन डोल, ड्राम डाल रे डर रे मीम राम ड्राम, इनकी तोड़ और जोड़ एक ही जैसे हैं क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं। चाहे अगर आप इधर लिखें चाहे इधर लिखें ये अलग ही अलग रहेंगे। डुग डुगी डाल, गाफ का सिरा फिर डाल, गाफ की आधी शक्ल छोटी ये लेटर ब्लेंडिंग होगी। डुग डुगी डुग डुगी, डिब्बा डाल बे की आधी शक्ल अलिफ, डाल बे डिब बे अलिफ बा डिब्बा, डालो डाल अलिफ डा, लाम का सिरा वाओ डालो, जोड़ेंगे डाल अलिफ डा लाम की आधी शक्ल के साथ वाओ जुड़ जाएगी डालो। से अरफी अल्फाज की आप इस तरीके से इमला भी करवा सकते हैं। डाल री अलिफ रा नून अलिफ ना ड्राना ड्राम, डाल रे डर रे मीम राम ड्राम, डोल डाल वा डोल लाम साकिन डोल, डूब डाल वा डूब बे साकिन डूब, डाल अलिफ डाल लाम साकिन डाल। इन सब जगहों पे तकरीबन डाल ही आता है। ड्राम डूब, इसमें हम अलिफ लगा देंगे डोल और डाल। इस तरीके से हम पूरे लेसन को कंप्लीट करवाएंगे, साथ ही हम इनकी इमला लेंगे, इनकी रीडिंग करवाएंगे और फिर तब हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये लेसन और ये मेथड पसंद आया है और आप इस तरीके से करवा रहे हैं तो आपके बच्चों की आउटपुट आपको मिल रही है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नए लेसन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।